हेलो एवरीवन, आप इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? तो ऑक्टल को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे और इन स्टेप्स को हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है, कन्वर्ट ऑक्टल नंबर 117.117 इनटू इट्स हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट, राइट? तो ये क्या है, एक फ्रैक्शनल नंबर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके डिजिट्स लिख लेने हैं, 117.117, राइट? दिस इज योर नंबर। राइट नाउ द फर्स्ट स्टेप इज कन्वर्ट ईच ऑक्टल डिजिट इन 3-बिट बाइनरी फॉर्म। आपको क्या करना है, जो ऑक्टल डिजिट है 117, इनको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट? तो देखो, आपको पता है मैंने आपको टेबल सिखाई थी कैसे बनाते हैं टेबल। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका आ गया 1, देन आपका हो गया 2 एंड आपका आ गया 4, राइट? बाइनरी जो नंबर्स होते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट हो गया 2 raised to power 0, ये आपका है 2 raised to power 1 और ये आपका है 2 raised to power 2, राइट? तो अगर मुझे 1 रिप्रेजेंट करना है तो 1 के प्लेस पे 1 आ जाएगा, बाकी 2 प्लेसेस पे 0 आ जाएगा, ओके? तो क्या आ जाएगा आपका 001, अगेन 1 का 001। अगर 7 आपको रिप्रेजेंट करना है बाइनरी फॉर्म में तो आप क्या करोगे, 4 plus 2 plus 1, ये आपका 7 हो गया, तो ये आ गया 111, राइट? ओके, ऐसे आपने यहाँ पे किया 001 आपका 1, ठीक है? 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है आपका 001, ओके, 001 एंड 7 का 111, राइट? तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे आपने कंप्लीट किया, ऑक्टल डिजिट्स को आपने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्या है, कंबाइन ऑल दीज ग्रुप्स ऑफ 3-बिट फॉर्म फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट टू द राइट मोस्ट, राइट? अब आपको क्या करना है, लेफ्ट से राइट तक आपके पास जितने भी बाइनरी डिजिट्स आए हैं, बिट्स आए हैं, उनको आप क्या करोगे, कंबाइन कर दोगे। तो उनको हमने यहाँ पे कंबाइन करके लिख दिया है, तो इस नंबर का बाइनरी फॉर्म तो ये आ गया है, राइट? लेकिन हमें क्या करना है, हमें हेक्साडेसिमल फॉर्म निकालना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, डिवाइड द 3-बिट बाइनरी फॉर्म ब्लॉक ऑब्टेन इन स्टेप 1 इनटू 4-बिट बाइनरी ब्लॉक्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये आपने सबसे पहले क्या किया, ऑक्टल को कन्वर्ट किया बाइनरी में, ऑक्टल को कन्वर्ट किया बाइनरी में। अब हम क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो बिट्स हैं, राइट, जो आपकी बाइनरी बिट्स हैं, उनको आपको 4-4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो जो इंटीजर पार्ट है उसको आप कैसे डिवाइड करोगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये देखो, यहाँ से पहले आपका आएगा ये वाला पार्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, 1111। अब नेक्स्ट क्या है आपका, 0010, ये आपका सेकेंड आ गया, ठीक है? जो इंटीजर पार्ट है उसे आप डिवाइड करोगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ठीक है, उसको आप कैसे डिवाइड करोगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके? ये ध्यान रखना, इंटीजर पार्ट को राइट टू लेफ्ट होगा, और जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है उसको आप क्या करोगे, लेफ्ट टू राइट, ओके? इसको हम ऐसे करेंगे। अब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हमने किया 0010, 4 bits के ग्रुप बनाने हैं आपको, ठीक है? ये आपने फर्स्ट ग्रुप बनाया, देन आपने ये सेकंड ग्रुप बनाया यहाँ पर ऐसे, ये आपका सेकंड ग्रुप हो गया, ओके? अब थर्ड ग्रुप में क्या है आपके पास, सिर्फ 1 बचा है, तो 1 बचा है तो आप क्या करोगे, 3 zeros को ऐड कर दोगे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर 4 bits बनाने हैं, फाइन? अब देखो आपने क्या किया, बाइनरी जो आपके फॉर्म आई थी उसमें आपने बिट्स का 4-4 का ग्रुप बना लिया, ठीक है? इंटीजर में आपने कहाँ से कहाँ कैसे ग्रुप बनाए हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, इस तरीके से, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। एंड आपने फ्रैक्शनल पार्ट का ग्रुप बनाया है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके? ये ध्यान रखना है। अब क्या करना है, आपके पास 4 bits आ चुके हैं, 4 ग्रुप्स आ चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, रिप्लेस ईच ग्रुप बाय इट्स हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट, ओके? अब आप इसका जो आपका 4 bits का ग्रुप आया है, आप उसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट नंबर लिखोगे, ओके? तो ये आपको पता है, इसी टेबल में हम क्या करेंगे, आगे कर देते हैं 8, ओके? और ये क्या होता है, 2 raised to power 3, फाइन, ओके? अब आपका जो फर्स्ट है 0010, तो अगर आप देखो 0 0 एंड 1 0, राइट, 1 कहाँ पे आया है, 4 के प्लेस पे आया है, तो आपका फर्स्ट जो बाइनरी बाइनरी नंबर का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है 4, ठीक है, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट आ गया 4। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं करती हूँ 1 1 1 एंड 1, तो 8 plus 4 आपका आ गया 12 plus 4 14 plus 1 15 आ गया, तो 15 किसको रिप्रेजेंट करता है, F को,
राइट आपने एफ यहाँ पे हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लिख दिया बाइनरी का, अब आपका पास है 0, 1, 0 एंड 0, तो यहाँ पे 2 के प्लेस पे बनाया है तो यहाँ पे आ गया आपका 2। अब आपका क्या है 1, 1, 1, ओके 1, 1, 1 एंड 0, राइट। तो 4 + 2 + 1, 3 आपका आ गया 7, ओके। अब आपके पास है 1, 0, 0, 0, तो 8 के प्लेस पे 1 है, राइट। यहाँ पे लिख देती हूँ 8 के प्लेस पे 1 है और बाकी देखो तीनों प्लेसेस पे आपका 0 है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया 8, राइट। तो आपने क्या किया है, बाइनरी जो आपके बिट्स आए थे ग्रुप राइट, उसको आपने हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट नंबर उनके लिख दिए, फाइन। तो अब जो आपका ये ऑक्टल नंबर था उसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है 4F.2278, राइट। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और देखेंगे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन का। हमारे पास ऑक्टल नंबर है 167.66, ओके। इसको हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट में आप कन्वर्ट करोगे, तो सबसे पहले हमने क्या किया, नंबर के डिजिट्स यहाँ पे लिख लिए हैं, फाइन। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे 3 बिट्स बाइनरी फॉर्म में, राइट। तो उसके लिए हमने ले लिया, देखो मैंने आपको टेबल बनाना सिखा दिया था, यहाँ पे 2^0 कंसीडर होगा 1, ओके। 2^ आपका यहाँ पे 1 कंसीडर होगा 2, ओके। एंड 2^ आपका 2 कंसीडर होगा 4, ओके। बाइनरी नंबर को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, फाइन। अब देखो 1 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 1 के प्लेस पे 1 आ गया, बाकी दो प्लेसेस पे 0, 0, राइट। आपने 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट लिख दिया है। अब 6 का देखो 4 + 2, 6 हो गया एंड 2 के प्लेस पे 0 आ गया, तो इसका हो गया 110। 7 के लिए 111, ठीक है, 4 + 2 + 1 हो गया, ये आपका 7 का आ गया। 6 का हम आपके पास है 110, 110, राइट। अब क्या करेंगे, इस बाइनरी फॉर्म को आप ज्वाइन कर दोगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमने इसको क्या किया, ज्वाइन करके यहाँ पे लिख दिया, आपके ऑक्टल नंबर का बाइनरी फॉर्म ये है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट में, ओके। हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे इन फॉर्म ऑफ 4 बिट्स, राइट, इन ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, राइट। तो और यहाँ पे मैंने आपको बताया था इंटीजर पार्ट को आपको क्या करना है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डिवाइड करना है, और फ्रैक्शनल पार्ट को आपको डिवाइड करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। तो यहाँ से देखो फर्स्ट ग्रुप आपने बनाया 1110, ये आपका 1110 आ गया। देन सेकंड ग्रुप आपने बनाया 1110, ये भी आपका 1110 आ गया, फाइन। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे 1101 आ गया। अब आपके पास बचा 10, तो 10 में 20 आपने और ऐड कर दिए, तो आपका पास 1000 आ गया, फाइन। अब देखो हमने क्या किया, 4 बिट्स में डिवाइड कर दिया, 4 बिट्स के ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, फाइन। अब इसका आप क्या करोगे, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट करोगे। तो हेक्साडेसिमल के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 2^3 जो क्या होगा 8, राइट। अब देखो ये जो हमारे पास बिट्स आई हैं 1110, ओके, ये क्या है 7 है, 4 + 2 + 1, ठीक है, ये क्या हो गया 7, ओके, फाइन। एंड देन अब यहाँ पे देखो ये जो आया, ये भी आपका क्या है 7 है, ठीक है, 4 + 2 + 1 7 है ये आपका। अब देखो हमारे पास है 1101, तो कहाँ कहाँ वन आया, 8 पे आया है, 4 पे आया है एंड 1 पे आया है, ठीक है। तो 8 + 4 आपका क्या हुआ 12 एंड + 1 13, राइट, 13 आ गया। तो 13 को आप क्या कंसीडर करते हो, डी, राइट। ये आपको पता है ना 0 to 9 होते हैं नंबर्स हेक्साडेसिमल में। उसके बाद 10 को आप क्या कंसीडर करते हो, 10 को हम कंसीडर करते हैं ए, ओके। 11 को आप कंसीडर करते हो यहाँ पे बी, ओके। 12 को कंसीडर करते हैं सी, राइट। तो यहाँ पे 13 आया है, वो क्या हो गया आपका डी, आपने यहाँ पे डी दे दिया है, राइट। अब हमारा क्या है 1000, ओके। तो 1 कहाँ पे आया, 8 के प्लेस पे आया, बाकी सारे प्लेसेस पे 0 है, फाइन। तो ये आपका कौन सा नंबर आया, 8, राइट। तो आपने कहा इसको जो बाइनरी फॉर्म आई थी 4 बिट्स का ग्रुप बनाया था आपने, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट में। अब सिंपली आपको क्या करना है, इसको लिखना है, ये आपका ऑक्टल नंबर है जो कन्वर्ट हो चुका है हेक्साडेसिमल में 77.D8, राइट। दिस इज़ योर हेक्साडेसिमल नंबर, फाइन।
ओके अभी आपने किया ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, अब हम करेंगे हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। ओके तो इसको हम क्या करते हैं, एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे स्टेप्स को। आपका यहाँ पे दिया गया है कन्वर्ट हेक्साडेसिमल नंबर 4F.278 इनटू इट्स ऑक्टल इक्विवेलेंट। आपको इस नंबर को, हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। फाइन, अब देखो स्टेप्स क्या हैं। कन्वर्ट ईच हेक्साडेसिमल डिजिट इन 4 बिट्स बाइनरी फॉर्म। आपको आपको क्या करना है, जो हेक्साडेसिमल नंबर है उसकी जितनी भी डिजिट्स हैं उनको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट। तो सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, आपने 4 को यहाँ पे देखो आप टेबल बना के रख लेना। तो फर्स्ट आपकी टेबल में 1 है, देन आपका 2 है, देन आपका यहाँ पे 4 है, देन ये आपका 8 है, राइट। 1 आपका है 2^0, ये आपका है 2^1, ये आपका है 2^2, एंड ये आपका है 2^3। ओके तो मैं अगर यहाँ पे 4 मुझे चाहिए तो मैं 4 के प्लेस पे 1 करूँगी, बाकी दो जितने भी प्लेसेस हैं वहाँ पे 0 आ जाएंगे, ठीक है। ओके तो मेरा बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया 4 का 0100। अब मुझे F चाहिए, F क्या हो गया आपका, यहाँ पे देखो यहाँ पे F आपका कंसीडर होगा, D हमारा था 13, ठीक है, D 13 होता है, तो E आपका 14 होता है, F आपका 15 होता है, राइट। तो हमें 15 चाहिए, 15 हम कैसे लिखेंगे, 8+4+2+1, 8+4 आपका 12 हो गया, 12+2 हो गया 14, एंड +15, ठीक है, तो ये आपका आ गया F। देन 2 के प्लेस पे आपने 1 लिखा, बाकी सारे प्लेसेस पे आपका 0। ओके तो ये आपका 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया है। देन 7 में क्या करेंगे आप, 4+2+1 और 8 के प्लेस पे 0, ठीक है, 0111। अब 8 में आपको क्या करना है, 8 के प्लेस पे आपने 1 लिख दिया, बाकी 3 प्लेसेस पे आपका आ गया 0, ठीक है। तो आपने क्या किया, ऑक्टल डिजिट्स का बाइनरी इक्विवेलेंट यहाँ लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इन बिट्स को कंबाइन कर देंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये आपने कंबाइन करके लिख दिया, राइट। अब हेक्साडेसिमल का बाइनरी फॉर्म तो आ गया, इसको आप ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे, और ऑक्टल में कन्वर्जन करने के लिए आप क्या करोगे, इसको 3 बिट्स के ग्रुप में डिवाइड करोगे, राइट। अब इंटीजर पार्ट को आप डिवाइड करोगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एंड फ्रैक्शनल पार्ट को आप डिवाइड करोगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये ग्रुप बनाया 111, देन सेकेंड ग्रुप बनाया 100, ठीक है, देन मैंने बनाया 1010 और ऐड कर दिया, ये आपका आ गया ग्रुप। अब फ्रैक्शनल पार्ट को भी आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपने 001, ठीक है, 001, 111, और अब यहाँ पे सिर्फ 000 रह गया, जो 0 ही कंसीडर होगा इसको छोड़ देते हैं, फाइन। अब देखो 3 बिट्स का ग्रुप बन गया, अब इसका हम ऑक्टल इक्विवेलेंट नंबर लिखेंगे, 001 क्या होगा। अब यहाँ पे छोटी सी टेबल और बना लेती हूँ मैं, यहाँ पे आपका आ गया 4, 2, 1, 001 क्या होता है आपका, 1, राइट, आपने यहाँ पे 1 लिख दिया, देन 001 1 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
0011 0011 1117, राइट। तो यहाँ पे हमारा कन्वर्जन हो चुका है फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल नंबर। सिंपली आपने इसको लिख दिया है, देयर फोर 4F.278 इक्वल्स टू 1117, ठीक है, 1117.1117, ठीक है, ओके 1117.1117, ओके ये आपका कन्वर्जन हो गया। एक एग्जांपल और देखते हैं, यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर है आपके पास 167.66, आपको इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट नंबर निकालना है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे जो आपके हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं उनको आप बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अपना सिंपल सा टेबल बना लेंगे, 1, ठीक है, 2, 4 एंड 8, ठीक है। 1 क्या है, 2 raised to power 0, देन दिस इज 2 raised to power 1, ये आपका है 2 raised to power 2, एंड ये आपका है 2 raised to power 3, ओके। 7 के लिए आप क्या करोगे, 1110, ओके। 4 plus 2 plus 1 7 होता है, तो इनके प्लेस पे आपने 1 किया, 8 के प्लेस पे आ गया 0, तो ये आपने लिख दिया इसका बाइनरी इक्विवेलेंट। अगेन 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट सेम है। अब डी क्या है हमारा, 13 है, ठीक है, डी 13 है, तो 13 के लिए आप क्या करोगे, 8 plus 4 12 हो गया, plus 1, और 2 के प्लेस पे आ गया 0,
ठीक है, तो ये आपका डी का आ गया बाइनरी इक्विवेलेंट। देन एट का, एट के प्लेस पे आपने वन लिख दिया, बाकी प्लेसेस पे आपने लिख दिया जीरो, ओके, तो ये आपका आ गया एट का बाइनरी इक्विवेलेंट। ओके, अब क्या करना है, इसको आपको कंबाइन कर देना है, बिट्स को आपने बिट्स को कंबाइन कर दिया, ये आपका हेक्साडेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर आ गया। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल नंबर में, तो ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इन बिट्स को हम थ्री, जो ये बिट्स आए हैं उनको थ्री थ्री बिट्स के ग्रुप में डिवाइड करेंगे, इंटीजर पार्ट को राइट टू लेफ्ट, ओके, एंड फ्रैक्शनल पार्ट को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। तो सबसे पहले आपने बनाया वन वन वन, ये आपका वन 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 है, फिर आपने किया ज़ीरो वन वन, ठीक है, ये आपका ज़ीरो वन वन है, फिर आपने किया वन ज़ीरो और एक ज़ीरो और ऐड कर दिया क्योंकि थ्री बिट्स लगानी है, ये आपका बन गया। अब इसको हम करेंगे लेफ्ट टू राइट, वन वन ज़ीरो, वन वन ज़ीरो, ओके, फिर अगेन वन वन ज़ीरो, ये आपका वन वन ज़ीरो, और बाकी रेस्ट क्या है आपका, दो ज़ीरो बचे हैं, इसके साथ ज़ीरो ऐड करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो ज़ीरो ज़ीरो वन, यहाँ पर हम अगर करें, अब ऑक्टल नंबर करें तो यहाँ पर फोर टू एंड वन, सिर्फ तीन बाइनरी बिट्स लोगे आप तो ज़ीरो ज़ीरो वन क्या होगा आपका, ज़ीरो, फोर के प्लेस पे ज़ीरो, टू के प्लेस पे ज़ीरो, वन के प्लेस पे वन, तो ये वन आ गया, ठीक है। अब आपका आया वन वन ज़ीरो, वन वन ज़ीरो क्या होगा आपका, फोर प्लस टू सिक्स, ये आपका सिक्स आ गया। वन वन वन, तो ये क्या हो गया, फोर प्लस टू प्लस वन सेवन, राइट। वन वन ज़ीरो क्या है आपका, सिक्स, वन वन ज़ीरो क्या है आपका, सिक्स, राइट। तो यहाँ पे आपका सेवन सेवन पॉइंट डी एट, राइट, ये आपका क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर, ये कन्वर्ट हो चुका है आपका ऑक्टल नंबर में, वन सिक्स सेवन पॉइंट सिक्स सिक्स, ओके। ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।